ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। देश की एकता और अखंडता में तुमको हिंदू मुसलमान नजर आता है क्या? शोभा देता है आप लोगों को? कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इस बात से? सहमत है? ऐसा बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में ऐसे लोगों को चुन चुन करके सजा दोगे कि नहीं दोगे? पक्का दोगे? कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता ने कहा कि ये देश को बर्बाद करने वाला फैसला है। 3 महीने होने आए, देश बर्बाद हो गया क्या? बर्बाद हो गया क्या? जा कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया। खो दिया है क्या भाई? खो दिया है क्या? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं व्यवस्था करता हूं। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया जब वहां के दलितों को, वहां की बेटियों को, वहां की महिलाओं को देश के अन्य राज्यों की तरह अधिकार दिए, तब एक बार फिर इनका स्वार्थ जग गया। आपको याद है इन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए थे? मैं आज भीड़ की धरती से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान को याद कराना चाहता हूं। साथियों, इतिहास में जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए इस निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है।